डिपेंड करता है कि यहां से जाने के बाद आपने अपनी लाइफ को किस तरह से बनाना है, क्या लाइफ के गोल आपको रखने हैं, परिवार में किस तरह से आपका प्रभाव रहेगा आने वाले टाइम में, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो आपने सोचना है। खुद का हिस्से का दिया तो आपको जलाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जलाएगा। मेहनत आपको करनी है। अगर मान लो मुझे भूख लगी है ना, तो खाना आप नहीं खा सकते, वो मुझे ही खाना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो वो आपको होना पड़ेगा। हर बंदा अपनी अपनी सोच के साथ चलता है, आगे बढ़ता है। पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग उसको, वो उसको बोलते हैं कोच, उसको बोलते हैं गुरु। वो होना भी जरूरी है जिंदगी के अंदर। आपको पता, सचिन तेंदुलकर जो है वो दुनिया का सबसे महंगा कोच रखता है। क्यों? क्योंकि जो महंगे कोच होते हैं ना, उनको टेक्निक सारी आती है, और सस्ता कोच क्या होगा, आपको पूरी सुविधा नहीं दे पाएगा, वो सिखा ही नहीं पाएगा। कई बच्चे जिम जाते हैं ना, अपने जिम की फीस पूछते हैं, फीस क्या है। एक जिम वाला बहुत वेल फेले होता है, अच्छे कोच वगैरह होते हैं, वो कहता भाई 5,000 रुपये महीना, और एक कहता जी 500 रुपये महीना। तो आपकी इच्छा सबसे ज़्यादा क्या होती है? 5,000 वाले में जाने में। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे कोच हैं, अच्छा वो एक्सरसाइज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो उसी तरह से ना, आपको वो मेंटर ढूंढना पड़ेगा, वो गुरु ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को और चेंज कर सको। मान लो मुश्किलें हर आदमी में आती है, हर आदमी को मुश्किलें आती हैं। कुछ आदमी अपने फादर को गुरु मानते हैं, वो कहते हैं जैसे फादर साहब कहेंगे वैसे मैं अपनी जिंदगी चलाऊंगा। कुछ लोग अपने ऐसे लोगों को मानते हैं जो लोग उनकी जिंदगी में कुछ अहमियत रखते हैं। आप सब अच्छे इंसान हो, सब बढ़िया हो, ठीक है। एक बीमारी से ग्रसित हुए थे, खत्म हो गई। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अब आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लोग आपको अच्छी मेंटरशिप दे सके, आपके अच्छे गुरु बन सके। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है।